जा रहे हैं यार। अरे सुनिए। कौन मैं? हाँ हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, जरा इधर आइए, इधर आइए ना, आइए 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 आइए। लगता है आप कॉलेज में नई नई आई हैं। जी। हाँ किस ईयर में? फर्स्ट ईयर में। ओह फर्स्ट ईयर, शायद आर्ट्स में होंगी। जी नहीं, साइंस में। ओ साइंस साइंस, ओ साइंस। तो आप साइंस में हैं? बड़ी स्वाइन, अरे तेरा बिस्तर कोई गंदा ना करे। अरे मिल गए रे, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, पहले मेरे को देखने दे यार। किधर? प्रवीण, देख पूजा का आशिक। ए पूजा, देख तेरा आशिक। अरे वही जिसके बारे में बताया था। देखने दे यार, अबे इसी हॉस्टल में रहती है। अरे मुझे ऐसे सड़क छाप आशिक की बिल्कुल जरूरत नहीं। उधर देखो, वो रोमिया उधर बैठ के लाइन मार रहा है और तुम लोग मेरे से जॉगिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? कौन मैं? नहीं वो मैं नहीं यार, बाजू वाली। अच्छा अच्छा, पूजा। ओ पूजा, देख कैसे इशारा कर रहा है। माय गॉड, मैडम, मैम, वापस कॉकरोच निकला। अंदर आके तो देखिए कमरे का क्या हाल बना हुआ है। क्या हुआ? चली देखने को नैनी। क्या हुआ? सूट है यो? मैडम ये देखिए। सो क्यूट। ये देखिए। लवली। हमको तो पहले ही डाउट था कि डेफिनेटली पेंटर का ड्रेस में अजय ही होएगा। लेकिन लक्ष्मी बाई को तो रूम नहीं खोलना चाहिए था। अरे उसने तो रूम खोल के बहुत अच्छा किया। देखो उसने रूम का दरवाजा खोल दिया, तुम दिल का दरवाजा खोल दो। अरे इतना डेरिंग लवर किधर मिलेगा? हाउ स्टूपिड। ओ खुदा है, हमारा घसूराम को भी थोड़ा सा हिम्मत दियो नहीं कि वो भी हमारा दिल का दीवार पर एकदम मीठा मीठा लिखे। मुझे पढ़ना है। चल नी माँ। अरे चल ना। हाँ चल। एग्जाम्स में सिर्फ एक महीना रह गया है, हम दोनों को स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, फिर सिर्फ प्यार करना चाहिए। प्यार व्यार, मिलना जुलना सब बंद। ये मुझसे नहीं हो सकता, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, जितने दिन तुम मुझसे नहीं मिलोगी उतनी तुम्हें मुझे पप्पियां देनी पड़ेंगी। डन। 30 दिन यानी कि एक महीना। तुमने एक पप्पी ज्यादा ले ली। अरे भाई कुछ महीने 31 के भी तो होते हैं। अब देख मजा तू। Sorry.
आओ पूजा। देखो पूजा, यही मकान मेरी प्रॉपर्टी है। आओ, ये मकान पहले मेरी मां को उनके पिताजी ने दिया था। अब ये मेरा है और तुम्हारा भी। ये मकान मैंने किराए पे दिया हुआ था, जिससे मेरे कॉलेज और हॉस्टल दोनों का खर्च निकल जाता था। लेकिन अभी तो कोई किराएदार नहीं है। दो दिन पहले तक तो थे, मगर जिस दिन हमारी शादी की बात पक्की हुई, मैंने उसी दिन आकर उन्हें कह दिया कि देखो भैया, अब आप ये मकान खाली कर दीजिए। बेचारे शरीफ थे, चले गए। अच्छा, उनको इतनी जल्दी दूसरा मकान मिल गया? पैसे से क्या नहीं मिलता, सिर्फ प्यार नहीं मिलता। मैं तेरा। ए, ये मैं क्या कर रहा है? चल चल बाहर निकल। मैं तेरा भाई हूं टीना। भाई? भाई? ए लल्लू, पहली टाइम आया है क्या? हाँ? तुझे नहीं मालूम? इस बाजार में माँ बाप भाई बहन जैसे खोटे रिश्ते नहीं होते। यहां तो सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, औरत और मर्द का। मैं जानता हूं मेरी बहन, तेरी जुबान में यह जहर किन हालात में भरा है। योगी मुझे सब कुछ बता चुका है, हमें माफ कर दे। डैडी तेरा घर में इंतजार कर रहे हैं। डैडी, भाई, घर, कितना अच्छा लगता है सुनने में, जैसे जलते हुए दिल पर किसी ने बर्फ रख दिया हो, जैसी जागती आंखों में अचानक कोई सपना उतर आए। मगर सपने झूठे होते हैं, तेरी बातों की तरह, तेरे आंसुओं की तरह। मगर रिश्ते झूठे नहीं होते टीना, तू मेरी बहन है, तू जज जगदीश वर्मा की बेटी है। नहीं, 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 नहीं। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। तू जैसे जलील लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा मत बोल मेरी बहन। मत बोल मुझे अपनी बहन। अबे साले, तू उसका बेटा है जिसने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना, जिसने पेट की औलाद को अपनी औलाद नहीं माना, जिसने मेरी माँ पर पाप करने का इल्जाम लगाया और जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही हरामी बना दिया। पैदा होने से पहले ही? हाँ, हरामी। हरामी का मतलब जानता है तो? जानता है ना? वही जो अपनी बाप की औलाद नहीं होती। जब मैं तेरी बाप की औलाद नहीं तो तेरी बहन कैसे हुई रे? तेरे बाप की बेटी कैसे हुई? चला जा, चला जा यहां से, नहीं तो जान से मार दूंगी तुझे। अबे तेरी तो, टीना दरवाजा खोल दे टीना, सिर्फ एक मिनट के लिए टीना, प्लीज प्लीज टीना, टीना प्लीज, टीना टीना एक मिनट के लिए दरवाजा खोल दो प्लीज, टीना प्लीज, टीना टीना मेरी बात तो सुनो टीना।
ए बबुआ, तुम्हारे बाप के जोर जुलम और हमारे लाड दुलार ने इका दिमाग खराब कर दिया है। ये तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। ये ले पैसे। इस बार मैं उसे ऐसी जगह मिलना चाहता हूँ जहाँ उसके और मेरे बीच कोई दरवाजा ना हो। टीना, यहाँ भी आ गया तू? मेरी बात तो सुन मेरी बहन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं चीखने लगूंगी और पब्लिक इकट्ठा होकर तुझे इतना मारेगी कि फिर तेरे मुंह से बहन का शब्द नहीं निकलेगा। टीना, डैडी अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार है। तूने जितनी गाली मुझे दी उससे ज्यादा वो सुनने के लिए राजी है। तू मेरे साथ घर चल, जो तेरे दिल में है वो कह दे, हम सब सुनने के लिए राजी है। मगर एक बार मेरे साथ घर चल मेरी बहन। घर? किसका घर? कोठे पर बैठने वालों के घर नहीं होते, और जिनके घर होते हैं वो कोठे पर नहीं बैठती। मैं तुझे कैसे समझाऊं टीना, ये मेरा कार्ड है जिसमें तेरे घर का पता है, इसके दरवाजे अपने मालकिन के इंतजार में हमेशा खुले रहेंगे। मुझे यकीन है तो बहुत जल्द वापस आएगी। टीना, टीना, टीना मेरी बात तो सुन। टीना, टीना प्लीज, टीना, 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 चलो जल्दी चलो। एक आखिरी बार तेरे सामने आया हूं टीना, कुछ मांगने के लिए नहीं, ये याद दिलाने कि आज राखी है। मैं जानता हूं जहां खून का रिश्ता टूट चुका हो वहां इन कच्चे धागों की कोई कीमत नहीं। आज के दिन इस सुनी कलाई को लेकर जाते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। इसलिए एक एहसान कर दे मुझ पर टीना, ये राखी मुझे बांध दे। वादा करता हूं तेरे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। ये राखी छोड़े जा रहा हूं जो तुझे याद दिलाती रहेगी कि तेरा एक भाई भी है जो इसी मां का बेटा है। भाई, लेकिन पहले एक गलती सुधारने जाना। डैडी ने मम्मी को घर से निकालकर एक गलती की थी, दूसरी गलती मैंने की है हमारे छोटे भाई को घर से निकालकर। अब हम दोनों पहले करण से मिलने जाएंगे और उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। टीना, टीना, डैडी हम सबको एक साथ देखकर कितने खुश होंगे। टीना कितने खुश होंगे।